ये एलोपैथिक है, एलोपैथिक ये एलोपैथिक ये होम्योपैथिक है। बता देना ये मेडिसिन किस चीज की, गोली क्या है? ये बुखार के लिए। क्या नाम है इसका? बाहर पड़ी हुई है, आप देख ले। बता देना यार, एक सेकंड देखें। पेन किलर है ये, पेन किलर। अब मुझे आप ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपको डॉक्टर कहूं, बताई कहूं, क्या कहूं। एक गोली है जी, आपने दी है पेशेंट को, दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे। इसका नाम क्या? यार मैंने कोड वर्ड में है, इसका कोड वर्ड क्या होता है? इसका नाम क्या है इस गोली का? फीवर ऑन है? फीवर ऑन। पक्की बात? इसका नाम? ये ताकत के लिए है, इसको बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। कह सकते हो? कहना नहीं है। दिखाएं जी इसकी पैकिंग, दिखाएं भाई यार। इसका नाम क्या है? ये भी पेन किलर में आती है। नाम क्या है इसको? हम क्या देते हैं, ओडिक के नाम से मिलती है ये। नहीं क्या नहीं देते, जो इसके डब्बे में होता है ओडिक के नाम से। आप बहसियत शहरी एक मोतबर इंसान है और मैं हर शहरी का एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें एहतराम करने की इजाजत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपका करना बनता है भी है भाई, इंटरव्यू करें, आपका जो राइट है वो करें, मैं तैयार हूँ उसके लिए। ये दवाइयाँ जो आप बांटे जा रहे हैं लोगों को होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते, इनके नाम के ये क्या पैकिंग है? इसका नाम, इसका आपने क्या नाम बताया? फीवर ऑन। फीवर ऑन कौन सी उसकी डब्बी? इसमें नहीं है फीवर। नाम पढ़े जी, फीवर ऑन बताया गया। आप खुद पढ़े, पढ़ के सुना क्या नाम? फीवर। पढ़ लें फीवर केयर है। हाँ यानी आपको दवाई का नाम तक नहीं पता? सर मैं बता रहा हूँ फीवर के लिए, फीवर के। अच्छा इसका नाम क्या बताया आपने? तो डायरिया के लिए। क्या नाम बताया? डेरियोन है। इस गोली का नाम क्या है? डेरियोन। माफ कर दूं, नाम पढ़ेंगे भाई? किस जालिम इदारे से डिग्री लेके आए हो? वो लगी हुई है भाजन, ऊपर लगी हुई है, हेल्थ केयर कमीशन से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। रजिस्ट्रेशन करवाई है, दवाइयां बांट रहे हो, उनका नाम तक नहीं पता। चलो जी नहीं पता, हाँ? नहीं पता जी, चलो फिर। अब किसी का डर खौफ नहीं? नहीं है। पक्की बात 100%। ये जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो, उसमें कोई शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। नहीं आती, वजह क्या? किसका गरूर है, किसका घमंड है, कौन है? आपने जो करना भजन आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए हर चीज का जवाब दे आपको। आप सवाल करें, डिग्री चेक करें, हर चीज चेक करें। डिग्री चेक कराएंगे? वो डिग्री लगी ऊपर। सर्टिफिकेशन है जी, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। अभी आपने बोला ना, यही है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। फॉर्म है जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में अप्लाई करने के लिए, इसमें मुझे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन दिखा रहे हैं सर। हम बच्चे नहीं है सर, हम पूरी तैयारी करके। आप रोटी को चोची नहीं कहते, मुझे सारा पता है। पंजाब हेल्थ स्टैंप देख रहे हैं? स्टैंप देख रहे हैं? एप्लीकेशन दी गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके कैमरे पर मौजूद है। और इस पे मैं बहुत वाजे कहता हूँ कि ये नवाब साहब जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये ऑन कैमरा में दिखा रहा हूँ, लाहौर पूछता है यहाँ पर मौजूद है। मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी को बताया जाए, लेकिन आम आदमी अपनी सेहत का ख्याल मुकम्मल कर रहे हैं इंतहाई नाकाम है। नवाब हाँ जी करें, क्या कहना चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहता, मैं तस्वीर बनाना चाह रहा था यार। लो न्यूज़ पे यार, यूट्यूब पे फेंकोगे मजा आ जाएगा। जो है ना एक लफ्ज सीधा बोलना लफ्ज, उल्टा नहीं बोलना। आप सिखाओगे क्या बोलना? उल्टा नहीं बोलना। नहीं उल्टा नहीं बोलना। मैं आपसे उल्टा नहीं बोल रहा। नहीं आपने बताना मुझे। हाँ मैंने बताना, किसी ने तो बताना। और भाई यहाँ सारी किए जा रहे हो, लोगों को ख्वार कर रहे हो, उसके बाद कर रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, नाम तक नहीं पता। नहीं पता समझ रहे हो ना? और कह रहे हो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन आपके पास है, ये सर्टिफिकेशन मैं कैमरे पे दिखा दूँ? हम दिखाओ सर, सारा कुछ दिखाओ सर, कुछ दिखा रहे हैं जी। मकसद हमारा सिर्फ एक है, हम DDHO को साथ लेकर आ सकते थे, लेकिन हम भिखारी नहीं है। ये इसी डे में जी कोई जी, किस मकसद के लिए? ये हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए थी। कौन सी डॉक्टर साहब की डिग्री है जी? डिग्री क्या डॉक्टर साहब? MBBS है। MBBS जी डॉक्टर अर्शद की। MBBS की कोई सर्टिफिकेशन दिखा? PMDC सर के पास है, उन्होंने भेज दी है। या वीजा होना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसी है, वो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, आपको बता रहा हूं कि सर्टिफिकेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास उनकी कोई रजिस्ट्रेशन हो जी जी, उनके MBBS की कोई डिग्री हो आपके पास, हमें दिखा दें, हम मान लेंगे यार।
कौन अपना उठा रहे हैं यहाँ से और कह रहे हैं कि मैं आपकी बात करवाने लगा भाई बैठ रहे हैं, उनके डॉक्टर साहब डॉक्टर अर्शद बैठते हैं, आप इसी चेयर से इतना सामान उठा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हैं भी नहीं यहाँ पे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मान जाए यार, उनके पैर नहीं होते सर। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा यहाँ पे क्या किन किस किस्म के मरीजों को देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल पेशेंट्स होते हैं ना, वो डॉक्टर साहब देखते रहे हैं, उसका सारा डॉक्टर साहब के ऊपर रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने देखे हैं, चंद एक पेशेंट, ये तो छोटा सा क्लिनिक है गली मोहल्ले का, छोटा सा क्लिनिक हो या मेरे ख्याल से थड़े पे बैठा हो, फटा लगा, आप सही कह रहे हैं, जब तक उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को नहीं काम कर सकता, एक कानून है ना, बिल्कुल ऐसी है, मैं आपकी बात मानता हूं, आप मुझे एक चीज बताएं, मैं ये बात कहता हूं आपके, मुझे गाड़ी दे दें, जी जी मुझे चलानी नहीं आती, कभी नहीं मैं गाड़ी में बैठा, बिल्कुल मैं 2 महीने चला लूं बस, खैर छोटा सा तो मुझे अच्छा हुआ है, तो फिर आप इजाजत दिलवा देना मुझे, हो सकता है ऐसा नहीं है, समझ सकते तो यहाँ तो वो तो छोटी बात में कर रहा हूँ, आपकी बात जाए लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं, आए मदर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं आते, मदर साहब के बकौल जिनके यहाँ पर कोई आसार नहीं पाए जाते, मौजूद है इंजेक्शन ड्रिप्स आप देख सकते हैं, अच्छा ये किस चीज के इंजेक्शन है? ये बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है जी, विटामिन है जी भाई, ये किस लिए टैबलेट है? ये सर को पता है नेबी बोल है बस, ये वैसे मुझे इसका इतना पता कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका 160 से ऊपर मतलब ब्लड प्रेशर होता है, सर ही देते हैं एकदम, मैंने कभी स्पेशल पेशेंट को आका ना प्रॉमिस बाय गॉड, इससे बड़ी बात है सर, कह लेता हूं सर माफ कर दें, कोई शर्म कर लें यार, आप खुदा का आप सीरियसली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा पेशेंट नहीं देख रहा जो कोई इतना सीरियस हो, कोई ऐसा मामला नहीं है सर, भी पेशेंट देखते रहे हैं, ठीक है ये सर्दियों में हम लोगों ने प्लान किया था सर के साथ, ठीक है ये सेटअप बनाया, उसके बाद ये इसको तकरीबन मतलब बंद रहे कोई 15 डेज से बंद है, ठीक है इसको सिर्फ इसलिए बोला था सर ने कहा यार सिर्फ सेटअप खोलो, मैंने आना है, मैंने चक्कर इंशाल्लाह लगा रहा हूँ, ठीक है ना एक दो दिन में तुम उसको सफाई सफाई करके रखो, और मैं अभी आया ही हूँ, मैंने सफाई की है, डॉक्टर साहब इधर ही रहते हैं लाहौर में, रावी वाली साइड पे रहते हैं, उनको फोन करें उन्हें बुलवाएं, वो जरा फैमिली के साथ गए हुए इसलिए मतलब उनको बुलवाएं सर, उनका क्लिनिक खुला हुआ है ना, प्रॉमिस बाय गॉड इससे बड़ी बात तो नहीं है, ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता जी, ये पहले की बैठी है, मुझे पता है बेस पहले का पड़ा है, साबित करने पे ला रहे हैं ना, मैं साबित करता हूं, ये क्या पहले बेस पड़ा हुआ है, कितने दिन पुराना है पड़ा हुआ है, पुराना ही पड़ा हुआ है जो पहले का पड़ा हुआ है, कितने साल कितने महीने पुराने से, ये हम ना असल में जब भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, हम किसी भी जालिम को पकड़ते हैं ना, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हमें ये कहता है कि भाई मैं तो अभी इधर से आया, आपने बड़ा जिगरा निकाला है कि आपने कह दिया 2 महीने हो गए, तो लोग पता है क्या कहते हैं कि भाई मैं तो इधर से गुजर रहा था, मैं तो जानता ही नहीं किसी चीज, जो बात सच है वो सच है, मैंने नहीं सच है भाई, आप मुझे ये बात बताएं, मुझे ये बात बताएं कि ये सारे जो इंजेक्शन हैं किसी को तो लगे हैं या पेन किलर पड़ा है, ऐसे ही है पेन किलर है, पेन किलर हम ना यहाँ पे पूरी रेकी करके आते हैं, अच्छा जी ये मेडिसिन कितने दिन पहले की लिखी हुई है, अच्छा ये लिखी होगी किसी जानने वाले को, कितने दिन पहले पता नहीं, 5-7 दिन पहले होगी किसी मतलब रेट्स में होगी, DDHO को मैं क्या कहूँ, मैं फिर वही बात कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जनाब मियां साकिब निसार साहब, आपके अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ के लाहौर में सेहत के क्या इंतजाम हैं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं, हमारा किसी से झगड़ा करने का कोई मकसद नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या काम करे, इसी गली के अंदर 2 दिन पहले दौड़े डॉक्टरों की लगती हमने देखी है कि जिस वक्त हम अंदर दाखिल होते थे तो लोग दौड़ लगा के क्लिनिक छोड़ के फरार होते थे, ये क्या मारूंगा बात चीजों में, निकाल दूं सारी चीजों, आ रही ये सारा सामान किया, आपको इंजेक्शन लगाने की इजाजत है इजाजत आपको वैसे जो मेरे कोर्सेज है उसमें इंजेक्शन वगैरह लगा भाई, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सर्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं बोल कैसी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि सर ने मुझे कहा था कि मैं जैसे ही आऊंगा PMDC हर चीज रजिस्टर्ड इस क्लिनिक को रजिस्टर्ड करेंगे, लेकिन खुला कैसे हुआ है अभी, खुला हुआ है ना,
बस इसीलिए बोला उन्होंने कहा कि जो आए कोई ऐसा तो नहीं कि गलती से शटर ऊपर हो गया और आप घर से आंखें मलते आप यहां बैठ गए। वी वेरी फ्रैंकली मैं इसको पहले वाइंड अप करने लगा था, उसके बाद इसलिए ये बोला हुआ था कि सर ने कहा था कि यार इसको खत्म नहीं करते, हमने पैसे लगाए हैं ठीक है ना तो इसको चलाते हैं। मेरा एक ये था कि यार प्रैक्टिसिंग हियर, यू आर प्रैक्टिसिंग हियर, इफ यू आर हियर तो उसका मतलब है काम करने आए हो ना भाई। जिस वक्त भी कोई पेशेंट आता है और अपनी वीकनेस का हवाला देता है तो फौरी तौर पे आराम से ये इंजेक्शन निकाले जाते हैं और लगा दिए जाते हैं, बाकी संभालने वाली जात अल्लाह की है। आप ये देखें यहाँ पर हम जिस जगह पर हाथ लगाएंगे वहां पे ये इंजेक्शन देंगे, गलत तो नहीं सब कह रहे इंजेक्शन है नहीं सारे। ये भी इंतजाम हैं शहबाज शरीफ के लाहौर में हेल्थ केयर कमीशन के दावे, एक के बाद एक दावा रोजाना मीडिया पर खबरें सुनाई जाती हैं कि इतने हजार क्लिनिक्स बंद कर दिए गए अधिकारियों के, ये है अधिकारियों के दावे। जनाब शहबाज शरीफ का ये आपके इंतजाम हैं, बाकी हेल्थ केयर कमीशन के बारे में मैं क्या बात करूं, शायद मैं अपनी एहतियात की वजह से इसमें खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। कहा जाता है क्लिनिक बंद रहा, लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट हासिल किया है लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं और सर्टिफिकेट की हकीकत क्या है हम भी नहीं जानते। यहाँ पर बकायदा टेस्ट भी किए जाते हैं, लैब टेस्ट भी किए जाते हैं।